हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा देखिए, ये अपना नया वीडियो है किट नोट का, बोल नोट का ट्रायंगल फार्मूला, ठीक है। और ये मैथ से रिलेटेड है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चैनल पे इसको काफ़ी टाइम समझाया है, चीज़ें रह गई हैं जो समझ नहीं आ रहा। मैं आपको प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ ना जाए, फिर भी समझ नहीं आए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं तो समझ आना चाहिए, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यूज़ करना, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एकदम ईजी तरीके से आपकी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आपको आराम से समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा ट्रायंगल फार्मूला क्या। आपने बचपन से पढ़ते आए हैं एक, अच्छा मैं लैंग्वेज सारी की सारी आप ये नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करूँगा, कोई हार्ड वर्ड नहीं, ठीक है। त्रिभुज ट्रायंगल होता है जिसकी तीन भुजाएँ होती, अब बचपन से पढ़ते ही आए पाइथागोरस में, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, बचपन से ये पढ़ते हैं कि हमारे पास दो भुजाएं होती है, दो आर्म्स होते हैं, तीसरी हमारे पास नहीं होती है, उसको गेस करते हैं क्या, वो भी समझ सिंपल सा समझ आ गया होगा। अब इसके लिए मैं आपको अलग से स्क्रीन के ऊपर एक पिक भी सेंड कर दूंगा, आप देख के समझ जाओगे कि एक त्रिभुज त्रिभुज होता क्या है, दोनों भुजाएँ क्या होती हैं, उनका नाम क्या होता है, और तीसरी जो होती है उसको निकालते गए उसका फार्मूला क्या हो, ठीक है। वो आपकी स्क्रीन पर चलते हुए या एक साइड में दिख जाएंगे, आपको दिख रहा हो कि ये होता, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं रख ले रहा, ठीक है। और मैं आपसे रिपीट भी कर देता हूँ, एक सिंपल सा फार्मूला यही होता है कि त्रिभुज की तीन आर्म्स होती है, तीन के अलग अलग नाम होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। सबसे पहले होता है कर्ण, उसके बाद होता है लंब, उसके बाद होता है आधार, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि हम इसमें से एक मिसिंग है, दो हमारे पास है, हम उससे दो को पकड़ के कैलकुलेट करके तीसरे को निकालते हैं, सिंपल क्लियर। अब यही सेम फार्मूला मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ बोल नोट के लिए, और ये अच्छे से काम है, वर्किंग है, और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा। अगर आपका बेसिक, ध्यान से समझिए, अगर आपका बेसिक थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग है तो इस फार्मूले को पकड़ के मेरे हिसाब से आप नोट्स में कभी नहीं जाओगे, ठीक है। आपको एक आधार मिलता काम करते हैं मिली। अब सिंपल वे में समझाऊँ तब मैं आपको एक प्लेयर का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं विराट कोहली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पर इसमें जो भी मैं नंबर्स यूज़ करूँगा सब के सब नंबर ऐसे हैं कि जिनका रियल लाइफ से कोई लेना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नंबर पकड़ रहा हूँ, ये मतलब कि नहीं आप उसको पकड़ के ही बैठ जाओ, सिर्फ प्योर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आप स्क्रीन पर सब चीज़ें साथ में लिखी हुई दिखेंगी तो ध्यान से समझिए, इसी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि ये फार्मूला यूज़ करने के, जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएँ होती है तो हमारे पास मान सकते थे ए बी सी तीन है, तब हम हमारे पास में इसको क्रिकेट में यूज़ करते थे, हमारे पास प्लेयर्स के तीन फॉर्मेट समझ रहे ना, जैसे T20 ODI टेस्ट होती है तो तीनों में हम तीनों जगह यूज़ कर सकते हैं। पर रूल्स ये है कि जिस भी फॉर्मेट में हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे ODI में यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे त्रिभुज की तीन भुजाएँ होती है ABC, तो हमारे पास ODI की इसके तीन मैचेस होने चाहिए प्ले किए हुए, ठीक है। तीन इसमें से हमें लास्ट वाला मैच छोड़ देना है, और जो सेकेंड लास्ट के दो मैच है हम सिर्फ और सिर्फ वहीं से उसकी बोले पकड़ेंगे, क्लियर। तीन मैच उसके प्ले किए हुए होने चाहिए, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए उसका, समझ रहे हो, ABC मतलब उसने तीन मैच पहले प्ले किए हुए हैं, अभी यूँ नहीं कि उसने दो मैच ODI तीसरा T20 नहीं, तीनों एक ही फॉर्मेट के, उसमें से लास्ट वाला एक हम छोड़ देंगे, सेकेंड लास्ट के दो मैच पकड़ेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, तो जो फ्यूचर में वो आज या कल या नर्सों परसों जो भी मैच खेलने वाला उसकी बोले हमारे सामने निकल के आएंगे, सिंपल। अब यूज कैसे करते ध्यान से समझिएगा। अब एग्जांपल के लिए मैं प्लेयर ले रहा हूँ विराट कोहली, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी उसमें भी लिखी हुई दिखेंगे, ध्यान से समझिए, विराट कोहली ले रहा हूँ, मान के चलते हैं कि विराट कोहली ने तीन ODI मैचेस खेल लिए हैं, ठीक है। अब उसके सेकेंड दो लास्ट ODI उसमें उसने बोले के लिए 50-50 ODI, ये प्योर एग्जांपल है, उसने बोले के लिए 50-50। अब यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करते हैं A²B² = C², इंग्लिश में, हिंदी में कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, ठीक है, स्क्वायर दो या फिर अंडर रूट, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हूँ फार्मूला साइड में लिखा हुआ। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं, विराट कोहली ने ODI में दो मैचेस खेले हैं, तीन मैचेस खेले हैं, और सेकेंड लास्ट के दो मैचेस में उसने पहले मैच 50 बोले खेली, दूसरे 50 बोले के लिए फिर वो आउट। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 50-50 का, हम 50 का स्क्वायर करेंगे फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच 50 का स्क्वायर करेंगे, दोनों के नंबर्स निकल के आएंगे हमारे पास 2500, ठीक है, दोनों नंबर्स निकल गए, दोनों नंबर्स को हम फिर प्लस करेंगे, उसके बाद में हमारे सामने एक नंबर निकल के आएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम उसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करने के बाद हमारे सामने एक नंबर निकल के आता है जो आप स्क्रीन पर दिख रहा हो, 70 बोले निकल गया है, क्लियर।
ओडीआई के दो मैच पकड़े हमने विराट कोहली के, पहले में 50 बॉलें खेली, दूसरे में 50 बॉलें खेली, फार्मूला अप्लाई किया, 50 का स्क्वायर किया, दूसरे 50 के स्क्वायर किया, निकल किया आया 2500 ठीक है। उसके बाद में हमने उसका प्लस किया, उसके बाद हमारे सामने निकल के आया 5000 का हमने अंडर रूट के निकल के 70 बोले सिंपल। उसके बाद में हमें एक टारगेट मिला कि विराट कोहली 70 बोले अगले मैच में खेलेगा, समझ रहे हो, ज़्यादा प्ले नहीं करेगा, सिंपल क्लियर। अब उसके बाद में एक दूसरी चीज़ है जो हम इसमें यूज करते हैं, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हमें प्लेयर्स के एवरेज स्ट्राइक रेट और एवरेज बॉल पकड़ने पड़ेंगे, वो हमें लिख के ही रखने, एवरेज स्ट्राइक और एवरेज बॉल, प्लेयर के मतलब आप समझ रहे होंगे कि उसका लाइफ टाइम होना चाहिए, ये नहीं है कि अगर वो दो मैच का नहीं देखना, उसका ओडीआई खेल रहा तो लाइफ टाइम उसके पूरे करियर का उसका क्या एवरेज रहा है वो देखना। अब फिर से मैं एग्जांपल लेके चलूँगा तो मान के चलूँगा कि विराट कोहली का एवरेज स्कोर है 50, ये प्योर एग्जांपल है, रियल लाइफ में उसका वैल्यू नहीं है, और एवरेज है 50 और स्ट्राइक एवरेज है 50 और स्ट्राइक रेट है उसकी 100, समझ रहे हो। अब इसमें क्लियर ये होता है कि 50 बॉल खेल के 50 रन वो बना लेता है, क्लियर। अब हमारे पास निकल के आई थी 70 बोले, उसकी फार्मूला अप्लाई किया था तो उसकी बोले 70 निकल के आई थी। अब हमें सिंपली करना क्या है कि हमारे हाथ में उसकी टारगेट बोले है 70, अब हम इसको प्ले कर सकते हैं, या तो हम आई डी में इसके 70 बोले आने के ऊपर हम इसको नोट लेंगे, समझ रहे हो, हाँ जी समझिएगा, आई डी में 70 बोले आने के ऊपर या तो हम इसको नोट करेंगे, दूसरी कंडीशन ये होती है जो उसकी एवरेज बोले हैं ठीक 50 वो वहाँ तक हम खेल लेते, तब ये कंडीशन आप पे अप्लाई होती है कि आई डी में 70 बोल आने के बाद इसको नोट करेंगे वह उसकी जो एवरेज बोले 50 वहाँ तक उसको खेलने देंगे। इसके बाद में भी टर्म और कंडीशन है वो आपको मैं आगे बताऊँगा, फिलहाल के लिए इतना ही क्लियर करके रखिए। फिर एक कंडीशन इसमें दूसरी बनेगी, इसमें दो रूल्स अप्लाई होते हैं, समझ रहे, पहला रूल ये है कि जैसे 70 बोले निकल गया तो 70 बोला आपने डायरेक्ट के आई डी में आने के बाद 70 बोले आपने उसको नोट किया, वेट किया। सेकेंड रूल ये है कि जो इसकी एवरेज बोले हैं आपने उसको उतना प्ले करने दिया, उसके बाद में जो भी बोल जाए वो 70 या 70 से ज़्यादा आपने उसको तब नोट किया, क्लियर। अब इसमें एक कंडीशन दूसरी बनती है, ध्यान से समझिएगा, अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि विराट कोहली ने दो मैचेस खेलने हैं, उसमें एक मैच में उसने सिर्फ 50 बोले खेली, एक में उसने खेली 100 बोले, 100 बोले ठीक है। अब इसमें सिंपल फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10000, 10 के हमारे पास निकल गया, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे जो ना नंबर आते हैं, उसके बाद में हमारे सामने बोली निकल के आती है 111 ट्रिपल वन, समझे। अब इस कंडीशन में होता ये है कि हम ये तो नहीं कर सकते कि विराट कोहली की 100 बोले खेलने का इंतजार करेंगे, इस कंडीशन में होता ये है कि हमें उसमें से विराट कोहली की जो एवरेज है, एवरेज उसकी क्या है, 100 की स्ट्राइक रेट है, 50 का उसका एवरेज है, ओवरऑल देखा जाए तो 50 बोले खेलने के लिए 50 बोल 50 रन बनाने के लिए 50 बोले 100 बोलिंग मतलब 50 में 50 कर लेता, सॉरी सर मैं मिस हो रहा हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है तो वो कर लेता। तो हम उसको करेंगे क्या कि जो उसकी जो 101 बॉल निकल गया है ट्रिपल वन, उसमें से हम इसके एवरेज स्कोर माइनस कर देंगे, हमारे पास बच के आते हैं इसके 61 बॉल, ये हमारी होगी टारगेट बोले। अब या तो आई डी में 61 बॉल आने पे हम इसका नोट ले लेंगे ठीक है, या फिर सिंपल फार्मूला वही है इसका, हम वेट करेंगे 50 बोले खेलने के, पर ज़्यादातर कंडीशन में जब भी प्लेयर की हायर बॉल निकल गया आती है उसके टारगेट बॉल आती है उसको टारगेट कर लेना चाहिए, कंडीशन में वेट नहीं करना चाहिए, क्लियर। अब आपको स्क्रीन के ऊपर फिर से फार्मूला पिक आपके सामने आएंगी, उनको कहीं लिख लीजिएगा ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है ये कि जब भी किसी प्लेयर की आप बॉल या निकालने की कोशिश करो, सबसे पहले एक ट्राई एंगल ड्रॉ कीजिएगा पेपर पे ठीक है, तीन भुजाएं होती है ए बी और सी, तो पहला मैच 50 बोले खेलिए एक साइड में लिख दो, दूसरे मैच 50 बोले खेलिए एक साइड में लिख दो, बच गई तीसरी साइड, दोनों का स्क्वायर करो जो नंबर आते हैं उसको प्लस करो, फिर अंडर रूट करो जो नंबर निकल के आ रहे हैं, और तीसरे मैच में वहाँ वो यूज़ की टारगेट बोले, टारगेट बोलो मैं आपको पता है, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो रूल्स अप्लाई होते हैं, पहला रूल्स ये है कि जो टारगेट बोले निकल के आ रही है एवरेज स्कोर के आसपास, तो उसको या तो आई डी में वो बुलाने पर आप उसको नोट कर सकते हो, या फिर उसकी एवरेज बोले खेलने के बाद उसको नोट कर सकते हो। और अगर किसी प्लेयर की 100 से ऊपर जब भी बोले निकल के आती, ध्यान से समझिएगा, 100 से ऊपर जब भी बोले निकल के आती है उसकी एवरेज स्कोर ठीक है, वो उसमें से माइनस कर देना, करने के बाद
फिर आपको जो बोली जाती है वो उसको खुद टारगेट करने लिए सिंगल टाइम में, उसमें डबल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि सबके स्ट्राइक रेट 100 की ही हो, कि प्लेयर की स्ट्राइक रेट ऐसे भी हो सकती है कि उसका एवरेज स्कोर है 40 का और उसकी स्ट्राइक रेट है 60 की। तो उस कंडीशन में कैलकुलेट आपको खुद से खुद करना है कि कितनी बोले खेलनी पड़ती है इसे को 40 रन बनाने के लिए, क्लियर। बाकी अगर कुछ वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसे एक स्पेशल से ऑडियो और चैनल पर डाल दूँगा, मेरे हिसाब से सब क्लियर होगा। और हाँ, एक चीज़ और, कैलकुलेशन करने में अगर 2-4 नंबर की मुझसे अप डाउन हो गई है, समझ रहे हो, तो ये मान के मुझे छोड़ देना कि शायद मेरी मैथ कमज़ोर है, समझ रहे हो, उसमें ज्ञान मत देने आ जाना सर आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप कि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ आ गई, और बस ये समझिएगा कि अगर इस फार्मूले को पकड़ के चलोगे तो आप बॉल नोट में कभी लॉस नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है। एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट टिप देके जा रहा हूँ, जब भी ये फार्मूला अप्लाई करो अंधों की जैसे मत कर लेना, आपका बेसिक इसमें स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, समझ रहे हो। आपके पास टारगेट बोले हाथ में जो भी निकल के आ रही है, आपको ये देखना है, कंडीशन हमेशा रीड करनी है, देखना है कि जिस प्लेयर की बॉल टारगेट कर रहे हो वो चेसिंग में है या डिफेंड में काम कर रहा है, समझ रहे हो आप, कहीं स्कोर चेस करने तो नहीं आए आपने उस प्लेयर की बोले, फर्स्ट बैट पे तो नहीं खेल रहा, सेकंड बैट पे तो नहीं खेल रहा जिस बॉल के हमने टारगेट बोले किए, कौन सी टीम के सामने खेल रहा, ओपन ओवर्स क्या थे, ये सारी की सारी चीज़ें कंडीशन अप्लाई होगी, बेसिक नॉलेज यूज में लेना है। ये नहीं है कि किसी प्लेयर की आपके हाथ में निकल के बॉल आ गई 70 मान के सकते, और प्लेयर 20 बॉल खेल के भी सिर्फ 5 रन बना के बैठा, उस कंडीशन में आप अपना बेसिक यूज करना है कि इसका 70 बॉल जाने तक का इंतजार नहीं कर सकते, ये पहले आउट हो जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। बेसिक यूज करना, आपके सामने जो बोले टारगेट निकल के आ रही है वो आपको काम करने का एक आधार देता है कि आपके हाथ में एक चीज़ होती है, आपके सामने एक टारगेट होता है जिसको पकड़ के आप बॉल आउट ले सकते, समझ रहे हो। तो शायद आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ गई हैं, और मैं अपनी वॉइस में इसको इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ, और अभी भी अगर कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो और बनाता हूँ, क्योंकि मेरा काम वही है।